बुक करो। कैसे हो आप सब भैया? आज हम आए चार बाग रेलवे स्टेशन पे। आप हमारे पीछे देख सकते हो। तो आज मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, आज मैं आई हूँ यहाँ पे न्यूली ओपन हुआ है रेल कोच रेस्टोरेंट। तो हम यहाँ ट्राई करने आए हैं यहाँ का खाना, देखने की क्या क्या है। भाई कल ही ये ओपन हुआ है, बिल्कुल 28 अगस्त को ओपन हुआ है। देखो मैं भूल रही हूँ। तो हमने सोचा आपको टूर कराते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल ट्रेन वाली फीलिंग देने वाला है ये। तो जो लोग घूम नहीं सकते हैं वो यहाँ आ सकते हैं और बैठ के ट्रेन में ट्रेन के खाने का लुफ्त उठा सकते हैं। वो भी कहीं जाना नहीं है, बस चार बाग आना है। तो आओ आपको एक एक चीज दिखाऊंगी मैं यहाँ पे, हर एक चीज बताने वाली हूँ। आ जाओ। तो हमारे पीछे देखो भैया, इन्होंने इस तरीके से पूरा बनाया हुआ है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि 365 दिन 24x7 आवर हमेशा ओपन रहेगा। और इन्होंने पूरी नीचे आउटलेट्स लगाए, पूरा ट्रेन वाला लुक दे रहा है। प्राइजेस की बात करें तो वो सब कुछ आपको बताऊंगी, अभी वेट करिए। अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर का नजारा भी आपको दिखाएंगे। उसके अलावा ये देख रही थी मैं कि आप अगर अंदर बैठ के नहीं खाना चाहते हो तो आप यहाँ पे खड़े खड़े भी खा सकते हो। और मैं रविश को बोलूंगी कि रविश इधर दिखाओ यहाँ पे चाट, बास्केट चाट। लखनऊ की बास्केट चाट बड़ी फेमस है, आप सबको पता है कि भाई लखनऊ की बास्केट चाट हमेशा से फेवरेट होती है लोगों की। तो आप यहाँ पे आगे अगर आप ऊपर नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पे भैया आराम से जाओ, बैठो, खाओ। अभी अंदर भी ले चलेंगे, उसके अलावा आपको यहाँ के प्राइजेस भी दिखाएंगे जो बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भैया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितना एक्साइटेड हो? तो चलेंगे कि अंदर फटाफट, देर किस बात की, आज चलो अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। आ जाओ। तो भैया यहाँ का हम किचन दिखा रहे हैं आपको, ये देखो यहाँ पे टिक्की विक्की बन रही है। हम अंदर आ गए और पीछे हमारे बिल्कुल रेलवे वाले कोच हैं जहाँ पे हम बैठ के खाना खाएंगे। बकायदा एसी वेसी है, सब कुछ है। और ये लखनऊ में पहली बार हो रहा है तो इस चीज की देरी मत करिए, आप भी आइए और देर बिल्कुल भी मत करिए। बहुत सही जगह है, बहुत बढ़िया क्राउड है, भीड़ है, कुछ नया है लखनऊ में, तो देरी तो बिल्कुल करनी नहीं है। भागते भागते आइए, अभी हम अंदर भी ले चलेंगे। और बकायदा इसके डिब्बे पे देख लो, मैं सब दिखा रही हूँ। ये देखो बकायदा ये इन्होंने बिल्कुल स्टेशन वाला लुक दिया हुआ है। और पूरा कोच है जिसमें आपको पीछे से भी दिखाएंगे अभी। तो भैया ये देखो यहाँ का एंट्री गेट है, वो वहां से भी देते हैं। और यहाँ आप वो जो रेलवे में ट्रेन में नहीं बालकनी होती है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, साइड से देखते हो खुला खुला रहता है, उन्होंने इन्होंने इस तरीके से उसको बनाया है। अभी हम एंटर करेंगे अंदर और आपको हर एक चीज दिखाएंगे। आ जाओ। ये देखो तो ये पूरा आप देख सकते हो, इस तरह से इन्होंने सीटर बनाया होगा। आप यहीं पे रहते हो ना, तो यहाँ पे कितने लोगों के बैठने के लिए होगी जगह? 55 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। तो कल से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? सबसे बढ़िया, नया नया ओपन हुआ है बिल्कुल, कल 28 तारीख को ही ओपन हुआ था। आज ये दूसरा दिन है जब मैं दूसरे दिन पे पहुंच पा रही हूँ यहाँ पे, और काफी भीड़ रह रही है। 55 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं और एसी वेसी बकायदा सब कुछ है। और उसके अलावा आपको सफोकेशन बिल्कुल फील नहीं होगा क्योंकि इन्होंने विंडो भी दी है, आप बाहर भी देख सकते हो। उसके अलावा देखो यहाँ पैसेंजर बैठे हैं पर कहीं यात्रा कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बैठ के खा रहे हैं। तो अभी हम भी खाएंगे और आपको हर एक चीज बताएंगे कि यहाँ टेस्ट कैसा है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमें यहाँ पे यहाँ का मेन्यू मिल गया है जो बिल्कुल रेलवे स्टाइल में है। और आप प्राइसेस देख सकते हो, यहाँ टी है जो सिर्फ 10 रुपए की है। तो भैया यहीं से अंदाजा लग गया कि कितना सस्ता है। और जो आप लोग ढूंढते रहते हो ना लखनऊ वाले, स्पेशली हमें सस्ता खाना बताओ कहाँ मिलेगा, तो भाई 10 रुपए की चाय भी यहाँ आके पी के बैठ के पी सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है इनका, मतलब फास्ट फूड स्नैक्स और मेन कोर्स भी है, चाइनीज फूड भी है। तो बुकड़ो बताओ हम क्या ऑर्डर करें। अच्छा इनका कॉम्बो मील भी चल रहा है यहाँ पे, वेज चाइनीज कॉम्बो है जहाँ पे नूडल्स मिलेंगे, मंचूरियन मिलेगा, चिली पनीर मिलेगा, चिली चिकन मिलेगा। तो शुरुआत तो हम करेंगे चाय से। मसाला चाय तो बनती है कि रेल में बैठ के ट्रेन में ऐसे फील लूंगी मैं कि हाँ मैं कहीं सफर पे जा रही हूँ। पर मैं किसी सफर पे आज नहीं हूँ, सिर्फ मैं आई हूँ यहाँ पे देखने के लिए कि कैसे है। मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी टीम में आज सिर्फ रविश आया है जो पीछे कैमरा चला रहा है, आज हमारी टीम नहीं आ पाई है यहाँ पे। पूरी सब्जी भी है यहाँ पे, देखो 15 रुपए की एक पूरी दे रहे हैं। भाई अब समझ जाओ कि बहुत महंगा नहीं है। तो घर से उठो, आओ एंजॉय करो। अगर कहीं जाने का मम्मी पापा नहीं आपको कहीं जाने दे रहे हैं सफर पे, तो आओ यहाँ पे बैठो आराम से खाओ। और उसके अलावा तंदूरी आइटम्स भी है, स्वीट्स भी है, पिज्जा भी है। मतलब टोटल कम से कम 200 के ऊपर आइटम्स होंगे आपके पास, 200 प्लस आइटम्स है यहाँ पे। तो शुरुआत कहाँ से करें अभी हम देखते हैं, अभी बताएंगे। कैमरे के पीछे रविश है, अभी रविश हमें हर एक चीज बताने वाला है। हाँ एक डोसा और छोला भटूरा और एक बास्केट चाट और राज कचौरी, ठीक है डन। तो हमारे लिए मैम ऑर्डर लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपसे आपने इतनी सारी चीजें बताई हमें। तो रविश
अभी कैसा है एक्साइटमेंट? तो हम आ गए भैया कोच के अंदर, जहाँ हम बैठे हैं आज पहली बार कहीं यात्रा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाने का लुत्फ उठाने आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मंगाया अपने लिए डोसा और लखनऊ की फेवरेट बास्केट चाट जो हमेशा हर जगह मिलती है आपको, जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो हमने मंगाई है। अपने लिए मंगाया हमने छोला भटूरा, उसके अलावा चाय मंगाई है, अभी हमारे लिए दाल वाली कचौरी आ रही है जो हम खाएंगे, और मीठे में भी कुछ मंगा लेंगे। उसके अलावा जब मैं टेस्ट दे रही थी, टेस्ट वाइज तो परफेक्ट है जगह ये। अभी डोसा खा के देख रही हूँ मैं, बढ़िया टेस्ट है, तो वर्थ इट जगह, एक बार आओ। बगैर उन्होंने देखो टिश्यू इशू भी दिया है यहाँ पे, टिश्यू नमक, बाहर का व्यू भी देख सकते हो, खिड़की है, उसके अलावा चार्ज कर सकते हो अपना फोन भी। और लखनऊ के जितने भी फेमस जगह है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, विधानसभा, उसके बोर्ड्स लगा रखे हैं, लाइटिंग देख सकते हो, ऊपर लाइटिंग भी अच्छी है, बहुत तेज नहीं है लाइटिंग, हल्की हल्की लाइटिंग है। उसके अलावा भीड़ आज बहुत ज्यादा है यहाँ पे, आज दूसरा दिन है ओपन होने के बाद में, तो लोग बढ़िया आ रहे हैं यहाँ पे। अभी खाएंगे और अभी बताएंगे और भी क्या क्या चीजें हैं। मेरे हिसाब से तो बढ़िया रहा है यहाँ का, और स्टाफ बहुत हेल्पफुल है, वो देखो कैसे आते हैं और कैसे अपना ऑर्डर लेते हैं, बकायदा वो पूरा चीजें लिख के लेके जाते हैं यहाँ पे। रेलवे के कोच में पूरी फील दे रहे हैं यहाँ खाने की, और खाना ऑसम लगा मुझे, बढ़िया है, बहुत ज्यादा तीखा चटपटा नहीं है, हाँ जैसा एवरेज खाना होता है वैसे खाना है। उसके अलावा अगर हम ये चाट कंपेयर करें, रॉयल्स कैफे की चाट और ये चाट, तो टेस्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे चाट में इतनी सारी चीजें पसंद नहीं है, तो वो चीजें मिक्स की हुई है तो वैसा ही टेस्ट आ रहा है। परफेक्ट है। तो भैया यहाँ पे पानी भी रेल नीर वाला पानी मिल रहा है आपको, 15 रुपए वाला जो ट्रेन में मिलता है, 15 का नहीं 20 का मिलता है ट्रेन में, 15 का मिलता है ये पानी, 15 रुपए वाला पानी मिल रहा है रेल नीर वाला, तो पूरा रेलवे वाला फील दे रहा है। रवीश कैसा लग रहा है अभी? रवीश देखो खाया जा रहा है, बास्केट चाट खा रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है ना कि कभी कभी ट्रेन हिलती थी यार, ट्रेन हिल नहीं रही है, बस बस यही हो रहा है, पूरा फील आ रहा है ना, ट्रेन में बैठ के खा रहे हैं। ट्रेन वाली सीटें भी दी है, देखो आप पहले सीट भी देख सकते हो, ये देखो, और बाहर का रिव्यू भी देख सकते हो, ऐसा लग रहा है किसी हिल स्टेशन पे जाने वाले, बस इस पे इन्होंने नंबर लिख देना चाहिए था 1 2 3 4, तो अपनी सब सीट का ख्याल रखते हैं। हिल स्टेशन वाले लग रहे हैं। और यहाँ पे भीड़ अभी देखो भाई कितनी ज्यादा है, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे अभी भी। अभी अभी शाम के कितने बजे हैं? वैसे 6 बजे होंगे, 6 बजे हैं, और यहाँ का ये हाल है। थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का भीड़ कम हुई, भी रात के टाइम में और ज़्यादा भीड़ होगी, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि 24x7 मतलब 24 घंटे ही खुला रहेगा और किसी दिन ये बंद नहीं रहेगा। तो रवीश अभी तुम पानी वानी पीछोगे, तुम्हें चाट कैसी लगी? चाट अच्छी है, अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी है। अभी भटूरा भी तुम्हें खाना होगा, डोसा मैंने सारा ख़त्म कर दिया है, एक चाट खत्म हो चुकी है, पानी है, अब हम कुछ मंगाएंगे नहीं, अब हम कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, क्योंकि मुझे टेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें खत्म कर दी। अब दूसरा बुक्कड़ ये खत्म करेगा। तो रवीश का चेहरा देखो, तो खत्म नहीं हो रहा है, ये भी बढ़ा दिया। हाँ हाँ खाओगे तुम, तुम्हारा जन्म ही खाने के लिए हुआ है। यहाँ पे मिल गई है यहाँ की ओनर, तो सबसे पहले आपका नाम क्या है मैम? फातिमा। तो फातिमा जी, ये आइडिया कैसे आया आपको? ये रेलवे ने एक हम लोगों को पुराना कोच दिया, जिसको हम लोगों ने सोचा कि एक रेस्टोरेंट में डेवलप करें, और मेरा रेस्टोरेंट का एक ड्रीम भी था कि हमें रेस्टोरेंट कैफे खोलने का, जैसे हम दूसरे का देखते थे, तो मेरा भी था कि हमें भी करना है, और ये कोच से हमें जो कि लखनऊ में कहीं और अभी तक ओपन नहीं हुआ है, ये पहला है जहाँ पे ये इस तरह से रेल कोच का एक आइडिया लेके आए। और कितनी लागत आई होगी इसके? इसमें कम से कम हमारी 45 से 55 लाख के बीच आई, 55 लाख में पूरा तैयार किया गया। तो आप क्या स्टाफ कितना काम करता है अभी? क्या 80 के आसपास लोग हैं, और सबके अलग अलग शिफ्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप छुट्टी नहीं कर सकते, शिफ्ट है यहाँ पर, क्योंकि 24x7 है, तो इसलिए बंदे को रेस्ट भी चाहिए, तो हम लोगों ने टीम शिफ्ट। तो अगर कोई आप जैसे कि रेलवे चारबाग पे है, चारबाग में क्या होता है कभी कभी बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, लखनऊ का ऑथेंटिक खाना जो बहुत मुगलई बड़ा फेमस है, जैसे कि यहाँ के कबाब बिरयानी बड़े फेमस है, तो उनके लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा, टुंडे नहीं जाना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे बिल्कुल। तो यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ही है? हाँ सर, वेज, साउथ इंडियन, नॉन वेज, आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगा, चाइनीज वगैरह। तो कितने आइटम होंगे यहाँ पे टोटल? कम से कम जैसे कहा जाता है 56 तरह के पकवान, लेकिन यहाँ पे आपको 56 से भी ज्यादा। जब इनका मेन्यू मैं देख रही थी भैया, 200 से ज्यादा आइटम है यहाँ पे, और उसके अलावा जब देखा कि सबसे सस्ती रेट में क्या चीज है, तो यहाँ चाय
₹10 की चाय, और वो भी रेलवे वाली चाय तो मैं नहीं कहूँगी आपको, बिल्कुल घर से भी अच्छी चाय मिल रही है यहाँ पे। और उसके अलावा चाइनीज भी फूड है यहाँ पे, और कॉन्टिनेंटल, हाँ मुगलई में तो आपको बिल्कुल फ्लेवर जैसे घर का बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट का मिल जाएगा। हाँ जी। और उसके अलावा एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो टेस्ट था टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत कम है, और पूरा रेलवे का लुक दिया है, चिकन है यहाँ पे, नॉनवेज भी है, लखनऊ की बिरयानी सारा सेपरेट है कि नॉनवेज अलग और हाँ, वेज अलग। और सबसे अच्छी चीज हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है भाई, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, और आराम से आप आ सकते हो। अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं चार बाग जाऊंगी, मैं चार बाग में खाने को एंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे हाइजीन की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि लखनऊ के चार बाग में मुझे नहीं लगता था कि उतना ज्यादा साफ सफाई से खाना बनाते हैं। इनका किचन जब मैं देखती हूँ ना, ट्रेन में भी जाती हूँ, किचन देखती हूँ ना, बहुत गंदा होता है। इन्होंने सारा ओपन एयर रखा है किचन, और बढ़िया बना रहे, और काफी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ये चीज आप बहुत आगे तक लेके जाइएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो भैया लखनऊ वासियों, भागते भागते यहाँ पे आओ, देरी मत करो, बढ़िया खाना मिलेगा, बढ़िया एम्बियंस है, और लोग उससे भी अच्छे हैं यहाँ पे। आप आराम से बैठते रहना, खाते जाना, ऑर्डर करते जाना, आपको मजा आता रहेगा। हाँ, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? ये यही है रिक्वेस्ट कि लखनऊ में ये पहली बार स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों की दुआ और सपोर्ट की जरूरत है, और हमारी तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा खाना मिले और टाइम पे मिले। हाँ, चाहते कि आप इसके लिए दुआ करें, और हर टाइम आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, और आप जितने से ज्यादा हो सके यहाँ आइए, और फूड का मतलब यहाँ पे। तो यही चीज मैं एक और आपको अच्छी बात बताती हूँ, जब मैंने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया था ना भाई, 2 सेकंड में खाना आ गया, बहुत देर नहीं लगा, गर्मा गर्म आया, ऐसा नहीं कि ठंडा आ रहा है, बिल्कुल आपके सामने तैयार कर रहे हैं, तो बढ़िया लग रहा है मुझे। अभी जा रहे हैं अंदर, आपको और भी चीजें दिखाएंगे। तो भैया यहाँ का खाना खा के आ गई मजा, अब ये वीडियो एंड करेंगे। अंदर बात हुई बहुत सारी, यहाँ के स्टाफ के बारे में बात हुई, यहाँ के जो ओनर थे उनसे बात हुई, तो ऐसा फील आ रहा है कि हम भैया लखनऊ में आए हैं, और मैं पूरा देखो बकायदा ट्रेन व्रेन खड़ी करी है, ऐसा लग रहा है सच में बनाया है, और बढ़िया सा गार्डनिंग भी करी हुई है। तो चार बाग लखनऊ वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि हमने बहुत खाना खा लिया है, अभी पेट फुल हो चुका है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना तो भर भर के दोस्तों में शेयर करना, अगर नए नए वीडियो में आए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।